नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस खबर का आपको बेसब्री से इंतजार था। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात बड़े फैसले ले लिए हैं। प्रदेश में 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेगी। गृह विभाग ने रविवार देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी वह आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने इसे लॉकडाउन न कहकर अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है, क्योंकि लॉकडाउन का नाम सुनकर लोगों के मन में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए सरकार ने एक नया रास्ता निकालकर इसे अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया है, या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि राज्य में 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है। चलिए अब आसान भाषा में समझ लेते हैं कि प्रदेश में अब क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जी, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल की दुकानें 5 बजे तक खुली रहेगी। जहां तक संभव होगा होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा गया है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को 7 बजे तक की अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन यानी कि बस और रेल सेवाएं जारी रहेगी। यानी कि 15 दिन तक चलने वाले कर्फ्यू में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाने पीने और जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें खुली रहेगी। फैक्ट्री में काम जारी रहेगा ताकि मजदूर पलायन ना करे। देखिए, यहां आपको समझना बेहद जरूरी है, इसी वजह से सीएम गहलोत ने इसे 15 दिन का लॉकडाउन का नाम न देकर अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है, ताकि मजदूर पलायन ना करे। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा करते तो जो दूसरे राज्यों से राजस्थान में काम करने के लिए आए हुए मजदूर है वो अपने अपने राज्यों में वापिस निकल पड़ते। लेकिन राहत की बात यह है कि इन 15 दिनों में कारखानों, सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा और गाँव में भी नरेगा का काम जारी रहेगा। यानी कि नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलता रहेगा। जानते हैं बंद क्या रहेंगे, तो देखिए, बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा घर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी भी बंद रहेंगे। 3 मई तक सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह का मेला जुलूस पर भी रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्य स्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। और सबसे जरूरी अपडेट, बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों के यात्रा टिकट दिखाने पर जाने की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन वालों को 7 बजे तक की अनुमति होगी। 7 बजे बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति नहीं होगी। और देखिए, माल के लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेगी और किसानों के लिए अनाज मंडियां खुली रहेगी। किसान अपनी फसल मंडियों में बेचकर जा सकेंगे। और शादियों का सीजन आने वाला है, इसको देखते हुए शादी समारोह को अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल में नहीं हो सकेंगे। और पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर ही जाने की अनुमति होगी, अन्यथा उनको नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, आसान भाषा में समझे तो राज्य में 19 अप्रैल से 3 मई तक कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कई सेवाओं पर रोक लगा दी है। प्रदेश की अगली बड़ी अपडेट आपको दे दे, राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस से 2 विधायकों के संक्रमित होने के साथ ही इस संक्रमण के रिकॉर्ड 10,514 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 414,869 हो गई है। और COVID-19 की वजह से बीते 24 घंटों में 42 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण सूचनाएं। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।